Very warm good evening, everybody. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedanta Biotronic, I welcome you all to today's very important session. This is finally the end of excretory products and their elimination. Today we are going to be doing disorders, and kal aapka sare previous year questions ka ek test hone wala hai. This class is for class 10, moving to class 11th, NEET and boards 2023. Right, good evening everybody. Sorry, we had a little tech error. Good evening everybody, welcome to the class. This is Dr. Vani. For those of you who don't know me, I'm the head of Department of Biology, being awarded the Best Teacher awardee, National Teachers Conclave in 2017, 18 and 19. I've come with over 10 plus years. इतने टीनेजर्स को मैं पढ़ा चुकी हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. टीनेज प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट, टीनेज ब्रेन इज डिफरेंट, टीनेज हार्मोन्स आर डिफरेंट, एंड यू नीड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स हाउ टू मैनेज टीनेजर्स. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू आर मिसअंडरस्टूड? Nobody understands you, your parents, your brothers, sisters, nobody understands you, nobody understands your problems, nobody understands what you are going through, nobody tells you. The worst part is nobody understands you, and even more worst is bhaiya koi batata hi nahi hai what you have to do. If you are anxious, sirf keh dete tension mat lo. Are tension mat lo, lene se tension kam thodi na hoti hai. Tension mat lo, jyada socho mat. पढ़ाई में ध्यान, अरे जब पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग रहा, देयर इज सम अदर प्रॉब्लम एट द बैक ऑफ द माइंड, तो भाई पढ़ाई में ध्यान कैसे लगेगा? से टेल मी, पढ़ाई में ध्यान लगाओ. अरे ध्यान लगना होता तो अपने आप लग जाता ना, फिर मेरे को टेंशन थोड़ी ना होती. मैं सोचती थोड़ी ना कि इतना मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब देयर इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम. डू यू ऑफन फील नर्वस? डू यू गेट इरिटेटेड इजिली? डू यू फील डीमोटिवेटेड? डू यू गेट अनॉयड इजिली? डू यू हैव एंगर इश्यूज? डू यू फील दैट नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग यू? इफ यू फील, वी हैव समबडी हुज बीन डूइंग इट फॉर इयर्स, इट्स एन एक्सपर्ट, एंड आई वॉन्ट टू कॉल देम ऑन अ सैटरडे week after week for at least 2 to 3 weeks. I want to, for the first time ever on YouTube, do it for my audience, the rewiring of the human brain. Do you want me to do that for you? Write it down in the comment section. How is teenage brain different, and how can you understand the teenage brain? What can you do to help the teenage brain? Remember, we take sessions every single day. Din mein 3 baar sessions hote hain. Aapke 10 a.m. session is for NEET 2021. NEET 2022 का सेशन होता है रात को 9 बजे, और 2023 का सेशन होता है शाम को 5 बजे. आई होप आपको पता ही है, एंड यू आर देयर फॉर ऑल द सेशंस व्हिच कंसर्न यू, राइट एवरीबॉडी? चलिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आई एम स्टार्टिंग टुडे इवनिंग, एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मस्ट डू टॉपिक्स. कल डे 2 ऑफ टारगेट सेटिंग है, ओके? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कल होने वाला है, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस, और कल आपका मेंटी क्विज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल कल होगा. चले फिर आगे बच्चों, इसी बात पे हो जाए लाइक शेयर सब्सक्राइब राइट नाउ. एवरीबॉडी लाइक शेयर सब्सक्राइब, बिकम अ पार्ट ऑफ मी बायोटॉनिक. मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग, मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग, मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग, मेक श्योर यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ मी बायोटॉनिक. चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं. डू यू नो अबाउट द वीआईपी? प्लीज, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, वीआईपी बिना किसी टेंशन के ज्वाइन करो, बिकॉज वी प्रॉमिस टू रिटर्न योर मनी बैक टू यू इन केस देयर इज नो गारंटी. डन, मेंटी कल आ रहा है, आज भी मेंटी है आफ्टर द क्लास. चलिए, तो पिछली क्लास में काउंटर करंट मैकेनिज्म हमने पढ़ा. पिछली क्लास में डिड आई टीच यू हाउ यूरिन इज फॉर्मड? डिड यू स्टडी फाइनली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में यूरिन पास हो गया? इज दैट क्लियर? वेरी नाइस दीपक. So process of expulsion of urine, आपने यूरिन बना लिया, you need to now expel it out from the body, from the urinary bladder, is referred to as micturition. The neural mechanism that causes it is called as micturition, right? जिसकी वजह से यूरिन फॉर्म होकर बॉडी से निकला जाएगा. यूरिन फॉर्म्ड इन नेफ्रॉन थोड़ी देर के लिए ब्लैडर में स्टोर होता है. आपको याद है पहली क्लास में मैंने आपको चार्ट लिखवाया था, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कहां जाएगा, राइट? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से पेल्विस, पेल्विस से माइनर कैलाइस से मेजर कैलाइस, मेजर कैलाइस से सारे का सारा कैरी होगा, राइट एवरीबॉडी? और जाएगा यूरेटर में, 2 यूरेटर होंगे, राइट? और यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर. तो राइट और लेफ्ट यूरेटर होंगे, और यूरेटर से आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टोर कर सकता है, स्टोर, ये यूरिन को स्टोर. और इसके पास जो है ना ट्रांजिशनल एपिथीलियम होती है. कौन सी एपिथीलियम होती है? ट्रांजिशनल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशनल एपिथीलियम? थोड़ी देर के लिए फूल जाएगी, जैसे पहले ऐसे है, जब यूरिन इसके अंदर आने लग जाएगा, इट इज गोइंग टू स्प्रेड अप,
and then urine pass over, it will again become small. It is called the transitional epithelium. Urine formed as nephron is stored in the urinary bladder till a voluntary signal. Up now it is the time to release the urine. Till a voluntary signal. So transitional membrane epithelium is an expandable epithelium. Right? So the brain will send the signal. The signal is of two types. It's very important. It is sometimes involuntary, in extreme fear. The person will urinate. It is involuntary. Sometimes it is involuntary and sometimes it is voluntary. Somatic is voluntary. You can remember SV. Parasympathetic is involuntary. Is that clear? Is that clear? Urine ko piss kehte hai, so you can remember PIS. Right, everybody, uske aage V laga dijiye. So P is parasympathetic, it is involuntary. Sympathetic is voluntary. You should remember transitional epithelium. You should remember ureters coming to the urinary bladder. Ab urinary bladder mein stretch receptors hote hain. Kya hote hain? Pavan ji, Nikhil, right everybody, NU, understood everybody? Chaliye. So beta, stretch receptors. Kya hote hain stretch? That means jab ye urinary bladder overstretch hoga. Jitni iski capacity hai usse zyada phool gaya. Stretch receptors are present in the wall of the urinary bladder. Ye itna hi iski capacity hai, 1.5 liter. Ab full ho gaya, isse zyada aur full nahi sakta. So the stretch receptors which are present in the wall of the urinary bladder will send signals to the central nervous system, jiski wajah se contraction of the smooth muscle will happen. Right? It is not a skeletal muscle. It is not a skeletal muscle. It is a smooth muscle. I repeat everything. When the urinary bladder is full, when the urinary bladder is full, which is step number one, it is going to stretch completely, overstretch hoga, which is going to send the signal. Signal is going to be sent to the central nervous system, which is going to initiate, which is going to tell it, bhai, now you must contract to expel the urine. You must contract to expel the urine. Is that clear, everybody? And the sphincters will be relaxed. Is that clear, everybody? Savi, David, the sphincters are going to get relaxed. How many sphincters are there? How many? What is sphincters? They are going to close it. Leak nahi hona chahiye na urine. The urine should not leak. So there are two sphincters. Ek sphincter is internal. Ek sphincter is external. Here also I will remember I2. Internal sphincter is involuntary. External sphincter is voluntary. Internal sphincter is involuntary. How many sphincters are there? Sai, I'm using English only, my dear child. Right, there are two sphincters. Internal is involuntary and the external is voluntary. So these are the two sphincters. I repeat everything. Micturition is expansion of the urine. There are two types of things. I remember to remember PI. Parasympathetic is involuntary. Sympathetic is voluntary. Right, and you should remember there are two sphincters. There are two sphincters, internal and external. What are the role of other organs? This is a very important. Aaj to menti hai, menti is coming in next 10 minutes. Okay? And guys, have you all liked, shared and subscribed, everybody? Have you all liked, have you all shared, have you all subscribed? Yo, everybody! Perfecto! Say yes, fam, we've liked, we've shared, we've subscribed, okay? Sabse pehle kidneys. Kidneys will obviously excrete out the waste material in the form of ammonia, urea, uric acid. Ye teen, right? Aur kal aapka menti, don't come late. This entire topic, I'm going to do all the previous year questions. Ammonia, urea, uric acid. Also today, you have to do a very important thing. Ek bahut important announcement towards the end of the session. And today, I want a very important thing from all of you. One important thing which each one of you, I want you to do is write down which is the next topic you want in the main comment section. Is that clear? Main comment section mein write down. Yes? Done? Write down in the main comment section the next topic which you want. I will do that only. So ammonia, urea, uric acid, which is deamination se banta hai. Kidneys, lungs, carbon dioxide, water vapor. Have you seen that Colgate ad which I find so irritating and weird? Pass out and they make that heart. Bachpan mein bada maza aata tha wo karne ka. Right? So that's water vapor. Water in the form of vapor. Right? These are the lungs.
Then liver. This is very important. Liver is going to excrete out bile. How many of you were present today morning's lecture, previous year questions of biomolecules? Liver bile produce karega? Bile. Bile is nothing but RBC ka breakdown. Bile. Liver produce karega bile, right? Bilirubin, bilirubin, cholesterol and drugs, even the fat soluble vitamins like A, D, E, K. Is that clear? So bile comes from the breakdown of RBCs, hemoglobin. Globin ka breakdown product hai bilirubin and bilirubin. Okay, right, you want to do plant physiology, we will do plant physiology also. Don't you worry, write it down in the comment section, voting kara lenge. Sweat glands in the skin, sweat glands, sodium chloride, isme namkeen hota hai sweat, the sweat is salty, urea, lactic acid, sebaceous is oil, oil glands, like sterols, hydrocarbons, wax glands, seruminous glands, wax glands, ear wax, seruminous glands. So there are sweat glands, sudoriferous, which excrete out sweat. Sodium chloride. There will be oil glands, which is the sebaceous, which is the oil glands of the body. Modified oil glands are in the ear, which are the wax glands, which are referred to as the seruminous glands. The lungs excrete out carbon dioxide and water. The liver excretes out bile, bile pigments, bilirubin, biliverdin, cholesterol, drugs, and fat soluble vitamins are also manufactured and cholesterol in the liver. Okay? Done, Samin. Aapko main comment section mein karna hai. Right everybody, इसमें क्या mind map बनाऊं देवा प्रसाद? इसका क्या mind map बनाऊं बेटा? Involuntary तो question ऐसी आएगा, mind map तो concept का बनेगा ना? Maturation है stretch receptor होता है transitional epithelium है internal involuntary होता है external voluntary होता है parasympathetic involuntary है sympathetic voluntary है ये 5 points पता होने चाहिए दोबारा repeat कर देती हूँ सबके लिए maturation is passage of the urine definition आता है stretch receptors are present in the urinary bladder the internal sphincter is involuntary the external sphincter is voluntary PI parasympathetic is involuntary sympathetic is voluntary finish transitional epithelium इसका mind map बनाने के लिए कुछ माइंड में डालने के लिए कुछ होना चाहिए ना कॉन्सेप्ट का बनेगा तो इसका माइंड मैप नहीं बन सकता इतना ही क्वेश्चन आएगा किडनी अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड सिक्रीट करेगी स्वेट ग्लैंड सोडियम क्लोराइड सिक्रीट करेंगे ऑयल ग्लैंड को सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं सेरुमिनस ग्लैंड को वैक्स ग्लैंड कहते हैं डन इसके अलावा कुछ नहीं था लंग्स क्या एक्सक्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर लिवर क्या एक्सक्रीट करते हैं बाइल उसमें होते हैं बिलीरुबिन बिलीवर्डिन कोलेस्ट्रॉल और कुछ नहीं आता इसके लिए माइंड मैप बनाने के लिए कुछ नहीं है डन एवरीबॉडी स्टेरॉल्स स्टेरॉइड्स स्टेरॉल्स cholesterol ka form various forms of steroids so there is no mind map you should have some concept to make a mind map right everybody thanks Rishti okay that's why we're not making mind map isme kya mind map banayenge yaar ye to simple hai easy peasy lemon squeezy hai ab kidney ke disorders pehle sabse bada problem hota hai kidney mein patthar ho jata hai stones sabko pata hai bahut painful condition hota hai block kar dega urine block ho jayega upar se it's a pipe is so small jo patthar ke beech se jayega is going to be very painful The urine has uric acid or oxalate. Urine में होगा urine में uric acid भी होगा oxalate भी होगा अगर ये थोड़ी देर के लिए accumulate हो जाए accumulate होकर ये बहुत dense होता है तो ये accumulate होकर एक stone बन जाता है uric acid and oxalate. It will accumulate and form a stone. Is that clear everybody? Okay, Yaksh. Done? It will accumulate. Uric acid or oxalate will accumulate. कॉलिक क्या होता है इंटेस्टाइन के पीछे वाला एरिया दिस पेरिटोनियल वेरी सिवियर पेन थाइस तक पूरे इस एरिया में बहुत इट इज अ वेरी सिवियर पेन रुक रुक कर आना कॉलिक की आई बहुत शार्प पेन रुक गई फिर बहुत शार्प पेन रुक गई फिर बहुत शार्प पेन रुक गई इज दैट क्लियर डन हो सकता है ये पास हो जाए इसीलिए आपने घर में सुना होगा जिसको किडनी स्टोन से बोलते हैं पानी बहुत पियो सुना होगा आपने ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर राइट ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सिलेट सॉल्ट है ना जैसे कैल्शियम सॉल्ट है दीज आर सॉल्ट यूरेट ऑक्सिलेट राइट दीज आर सॉल्ट बॉडी में सॉल्ट तो होगा एंड द यूरिन ओनली विल एक्सक्रीट आउट दीज सॉल्ट सो इट माइट एक्यूमुलेट द यूरिक एसिड ऑक्सिलेट्स द क्रिस्टल्स ऑफ ऑक्सिलेट्स माइट वेरी सिवियर पेन यू नीड टू ड्रिंक वॉटर इट कैन बी पास इट मे पास और इट मे गेट स्टक थोड़ा बड़ा है तो रुक भी सकता है फिर लेजर मारना पड़ता है यू नीड टू हिट इट विद लेजर It gets broken down and then passes. Now, if it is cutting while passing, अगर ये इसको cut कर दे, can it cause bleeding? That is why urine में blood आ सकता है. It might grow, it might become small, right? It depends from case to case. Is that clear?
Lovely Nicole, go attend your pro membership class. Hi, Veer. Is that clear, everybody? And guys, go get the pro membership. You will say, Vani, ma'am, thank you. Trust me. You will say, Vani, ma'am, physics, bio, to ab aapki wajah se ho jayega, physics, chemistry, thank you. Right? This is about kidney stones. Is that clear? I'm really looking forward to the mentee today. These are kidney stones. Inflammation of the glomerulus. I've talked about it. Inflammation of the glomerulus. Kisi ko hockey stick lag gayi. Zor se kisi ne kisi ko peecha. Somebody was hitting each other ruthlessly. And the hockey stick went and hit the kidney. Somebody fell down and banged this with a sharp object or with a blunt object. And there was injury to the glomerulus. If there was injury to the glomerulus, will it cause inflammation of the glomeruli? Say yes or no, ma'am. Ma'am ji, bataye, if there is injury to the glomerulus. If there is injury to the glomerulus, will it cause inflammation? अगर कभी भी आपको चोट लगती है आंख में चोट होती देयर इज दैट बिग ब्लैक कलर की मोटी हो जाती देयर इज इंजरी व्हेनेवर देयर इज इन्फ्लेमेशन आई हैव टोल्ड यू विल द फेनेस्ट्रे गैप विल इट इंक्रीज लीडिंग टू लीकेज ऑफ स्टफ बैक्टीरिया ड्रग्स टॉक्सिन एवरीथिंग इज गोना गेट लीक्ड आउट यस और नो ऑन वानी मैम स्क्रीन राइट नाउ यस और नो ऑन माय स्क्रीन राइट नाउ से यस मैम Done? Yes, everybody? Done? Glomerulonephritis. Injury ho sakti hai, koi toxins aa gaye, koi drugs aa gaye, injury cause kar di. Glomerulonephritis. Understood, everybody? Right? Now, agar kidney filter nahi kar rahi, by chance, problem hogi. Kidney kehti, maine nahi filter karna. Raise your hands. Aaj to meri chutti hai, bhai. Aaj nahi main filter karungi. Chutti manaungi. तो क्या बॉडी में यूरिया एक्यूमुलेट हो जाएगा अगर आप उसको एक्सक्रीट आउट नहीं करोगे विच इज टॉक्सिक आई ऑलवेज से दैट इफ यू फीड इफ यू टॉक अबाउट पीपल यू कीप स्प्रेडिंग नेगेटिविटी वो ऐसा है ये ऐसा है मेरे साथ ऐसा किया उसके साथ ऐसा किया वो ऐसा तू ऐसी मैं ऐसी नेगेटिविटी यू विल स्टार्ट हार्बोरिंग नेगेटिव फीलिंग्स यू विल स्टार्ट हार्बोरिंग नेगेटिव इमोशंस राइट और रॉन्ग यक्ष Tell me. And that's why it's very important to think positive, to be optimistic, to be hopeful. If you keep on spreading negativity, you keep on harboring negative feelings, everything that you do, everything that you see, everything will become negative. Similarly, if you keep on accumulating urea, which is a toxin, which is because of malfunctioning of the kidney, it is highly harmful. Kidney jab kisi ki fail ho jati hai, jab kisi ki buddhi mari jati hai, राइट मंद बुद्धि लोग दूसरों की बातें करते हैं इधर उधर की बातें करते हैं जो किडनी फेल हो जाती मंद बुद्धि किडनी यूरिया को एक्सक्रीट आउट नहीं करेगी टॉक्सिक को रखे ऐसे लोगों की बॉडी में डायलिसिस करना पड़ता है जब तक कोई किडनी डोनर ना मिल जाए टिल द टाइम यू डोंट गेट अ किडनी डोनर यू गॉट टू डू डायलिसिस इज दैट क्लियर एवरीबडी शगुन हैव टॉक्ड अबाउट इट सो मेनी टाइम्स Understood, everybody? So let's do a quick recap before I go to hemodialysis. I started today's class with micturition. I told you II, intrinsic, internal, involuntary, external, voluntary. I told you about PI, SV, somatic, or the one which is in your control. Body is voluntary. PI, parasympathetic, is involuntary. I told you about transitional epithelium. I told you what do the kidneys excrete. Most importantly, what do the liver excrete urea? What does the lung excrete carbon dioxide and water? And what do the sweat glands? Sebaceous or the oil gland, ceruminous or the wax gland. I told you about kidney stones, which is called as calculi. Drink water and you remove it, right? It causes severe colic pain. If there is injury, there is inflammation. Inflammation leads to fenestrae wider ho jana, bleeding hoga, urine mein blood aayega. Aur agar kidney fail ho jaye, to urea accumulate hoga, jisko uremia kahenge. What is the treatment? Sanika, Nu, Srividya, Pratham, Savi. What is the treatment? Yes, mentee is based on this portion. Dialysis is usually done every third day. Usually we do dialysis every third day. Right? Done. Let's move on. What is hemodialysis? What exactly is dialysis? Kidney or renal failure is a medical condition in which the kidneys fail to filter. Kidneys don't filter.
Have you ever seen आपके घर में अगर एयर कंडीशनर लगा होगा बहुत मिट्टी होगी वो बीप करना शुरू करता है. इफ यू हैव द RO और द एक्वा गार्ड व्हेन इट नीड्स टू फिल्टर वाटर, अगर उसकी कैंडल गंदी हो जाती है दैट नीड्स टू बीप 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 राइट. सिमिलरली व्हेन द किडनी डज नॉट फिल्टर इट सेव्स यूरिया, इट एक्यूमुलेट्स यूरिया. राइट, एक बार डायग्नोसिस हो गया कि किडनी फेल हो गई, लेट मी ऑल्सो टेल यू अ पर्सन कैन लिव happily and healthily with just one kidney as well. You could live with just one kidney, right? So we could donate one kidney to our blood relatives so that matching takes place if anybody, God forbid, requires a kidney. So what happens in a hemodialysis machine? Dialysis machine mein kya hota hai? ठीक है? Dialysis machine mein सबसे पहले एक person की body से blood को remove किया जाता है. या cannula या catheter डाला जाता है और blood को remove किया जाता है. सबसे पहले ब्लड में एंटी कोगुलेंट मिलाया जाएगा बिकॉज ब्लड जैसे ही बाहर आएगा वो जम जाएगा. सो एंटी कोगुलेंट टू प्रिवेंट क्लॉटिंग राइट. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रिमूव कीजिए ब्लड को, पंप करिए एंटी कोगुलेंट. और थर्ड, ये जो डायलिसिस फ्लूइड है जो डायलिसिस है उसमें कोई भी टॉक्सिन्स नहीं होंगे. जो ये ब्लड आ रहा है इसमें आपके यूरिया होगा, इसमें यूरिक एसिड होगा, राइट, इसमें अमोनिया होगा, इसमें टॉक्सिन्स होंगे बॉडी के दो तीन दिन से जो एक्यूमुलेट हुए हुए हैं, इसमें बॉडी के टॉक्सिन्स होंगे जो दो तीन दिन से एक्यूमुलेट हुए हुए हैं. तो ये सारा कुछ बाहर भेज दिया जाएगा and the clean fluid will be sent back in. कहीं air तो नहीं आ गई, कहीं air तो नहीं डाल रहे, because air can form a clot. Is that clear? Anticoagulant. Right everybody? Any doubts everybody? Please पूछ लीजिए बेटा. Any doubts? No doubts? Done? Can I move ahead? So, आप अगर एक तरफ आपने सिर्फ क्लीन रखा तो ऑब्वियसली जितने भी आपके यूरिया यूरिक एसिड जितना भी टॉक्सिन्स है वो सारा अगर H प्लस आयन से पाए, जो भी सोडियम क्लोराइड जो भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है वो सब बाहर आ जाएंगे. डायलिसिस मशीन में आपने देखा होगा एक बैग होगा, फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, राइट, इट गोज इनसाइड द मशीन एंड इट इज देन एंटरिंग बैक अगेन. ओके, दिस इज वेरी सिंपल. आई होप इट इज 100% क्लियर टू ईच वन ऑफ यू. फेयर एनफ, लेट अस नाउ मूव अहेड. हीमोडायलिसिस, ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम एन आर्टरी, आर्टरी से निकलेगा, डायलिसिंग यूनिट में जाएगा. डायलिसिंग यूनिट में एक सेलोफेन पेपर होगा, एक तरफ फ्लूइड होगा और एक तरफ ब्लड होगा. एंड द मिडल थिंग इज रेफर टू एज द सेलोफेन पेपर. व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड द सेलोफेन पेपर. इज दैट क्लियर? इट इज द सेम प्लाज्मा एंड प्लाज्मा हैंडशेक इक्वल लिख रही हूं. देखो मैं, ओनली थिंग इज हियर यू हैव नाइट्रोजिनस waste and here you have no nitrogenous waste. What is the nitrogenous waste? Tell me. Urea, uric acid, right? On one side the only thing is same as plasma, constituent is same as plasma except the nitrogenous waste. Is taraf hoga urea, is taraf hoga uric acid, is taraf hoga ammonia, taki sara idhar chala jaye. Idhar kuch nahi hoga, idhar negative 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 it should go. तो सेलोफेन पेपर की वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया बिकॉज बॉडी में यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, इधर तो नहीं था. एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेडियंट दे आर गोइंग टू फ्रीली मूव आउट, दे आर गोइंग टू मूव आउट. मेंटी इज कमिंग. इज दैट क्लियर एवरीबडी? पलक, गायत्री, रुक्साना, पुनीता, डिड यू अंडरस्टैंड? आरबीसीज क्यों बाहर जाएंगे दिव्या राजन? टेल मी, व्हाई शुड यू सेंड द आरबीसीज आउट? आरबीसीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. ओनली द नाइट्रोजनस वेस्ट नीड्स टू गो आउट. आरबीसीज विल नॉट गो आउट. व्हाई शुड यू थ्रो द आरबीसीज आउट ऑफ द बॉडी?
एंड द ब्लड इज पंप्ड बैक इनटू द वेन. सो आप उसको आर्टरी से निकालो, यू पुट इट इन द मशीन, द मशीन हैज सेलोफेन पेपर, द प्लाज्मा इज आइसोटोनिक ऑन बोथ द साइड्स, ऑन वन साइड यू हैव यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया व्हिच इज अ ब्लड, ऑन द फ्लूइड साइड यू हैव नथिंग, नो नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट इज पुश्ड आउट एंड द ब्लड इज देन एंटरिंग इन साइड द बॉडी. यही मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपके लिए बनाया था. इज दैट क्लियर? एक्सेस यूरिया यूरिमिया, एक्सेस ग्लूकोज इन द यूरिन ग्लूकोज यूरिया, ब्लड इन द यूरिन हेमेटूरिया. इज दैट क्लियर एवरीबडी? व्हाट इज कैन्युला? यू हैव टू, यू कांट पुट सिरिंज एवरी डे ना, एवरी वीकली ट्वाइस कराना पड़ता है. सो दे ऑलरेडी इंसर्ट अ सिरिंज काइंड ऑफ अ थिंग हियर, राइट? उसको बॉडी में इंसर्ट करके रखते हैं, व्हिच इज रेफर्ड टू एज अ कैन्युला, राइट एवरीबडी? दे इंसर्टेड, आपने देखा होगा कई बार यहां पर भी कई लोगों के लगा होता है, राइट? दिस इज डायलिसिस, दिस इज रेफर्ड टू एज हीमोडायलिसिस. एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, जहां पे ये जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है ये यूज करते हैं, बट वी डोंट यूज इट एनी मोर, वी डू हीमोडायलिसिस इन ऑल हॉस्पिटल्स, राइट? इट इज अ मशीन विच डज डायलिसिस. सो यूरिमिया, अगर यूरिया बढ़ जाए, वी डू समथिंग विच इज यूरिया कैन बी रिमूव्ड, आरबीसी वगैरह कुछ नहीं बोला है, तो यूरिया कैन बी रिमूव्ड विच इज रेफर्ड टू एज हीमोडायलिसिस, राइट? ब्लड आर्टरी से पंप किया जाएगा, सेलोफेन पेपर होगा, मशीन में डाला जाएगा और वापस एंटीकोगुलेंट लाइक हेपरिन डाला जाएगा. मैंने आपको पिछले में सब कुछ बताया था. सेलोफेन पेपर होगा, सेलोफेन पेपर के थ्रू अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड ट्रांसफर हो जाएगा, राइट? एट योर एज ऑल्सो, यस, एनीबडी अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज कैन डोनेट अ किडनी, दैट पर्सन इज सपोज टू बी एडल्ट. तो प्लाज्मा सेम है एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट. सेलोफेन पेपर पोरस होगा, मटेरियल फ्रीली मूव आउट कर जाएगा. सो थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव यूरेमिया, हुज किडनीज हैव फेल्ड, रीनल फेलियर, दे हैव टू अंडरगो अ प्रोसेस ट्वाइस अ वीक व्हिच इज रेफर्ड टू एज द हीमोडायलिसिस. अब अगर कोई डोनर, मैंने जैसा बोला, प्रेफरेबली क्लोज रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव, ताकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो, सो वी कैन ट्रांसप्लांट द किडनी. Understood? Stones बन जाएंगे अभी, कई बार soluble होते हैं, oxalates, जैसे मैंने आपको बोला, salts, oxalates, एक एक चीज NCERT की मैंने आपको करवाई है, that is referred to as renal calcula, and inflammation of the glomerulus is called as glomerulonephritis. And that finishes this particular chapter. Happy? Done? Yes, chapter over. OP, चलिए मेंटी पेन, guys, don't forget to get the pro membership. Trust me, one Vedantu improvement promise. We take responsibility. किसने कहा यार अगर आप एक किलो बैंगन भी ले आओ ना और उसको बोलो वापस करने जा, कीड़ा लगे तेरे बैंगन में, पैसे वापस नहीं करेगा, कहेगा बदले में दो बैंगन और ले लो. हम ये नहीं कहेंगे अरे नंबर ले, अरे चलो आपके भाई को पढ़ा दो, आपके नंबर इंप्रूव नहीं होंगे, आपका पैसा वापस किया जाएगा. दिस इज अ विदाउट इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, नोबडी डज इट. एंड टुडे इज अ बिग डे बिकॉज रेट्स हैव स्लैश्ड, रेट्स को हमने बहुत गिरा दिया है. प्लीज पे अटेंशन, रेट्स हैव स्लैश्ड. यस एवरीबडी, understood everybody? Rates have slashed. 11th class PCB English Hindi unlimited micro courses rate slash किए. भी अब नए rates तो सुनो, CBSE NEET KVPY की तैयारी कर रहे हो ऐसे वालों, KVPY free है. KVPY के लिए 3-4-5-6,000-8,000-10,000 देने की कोई जरूरत नहीं, KVPY free है, board exams free है, revision crash course revision of the entire 11th after syllabus finishing free है. 10 hours की classes per week, 10 classes of 2 hours, 20 hours, 20 hours के ऊपर 5-6-8 घंटे वानी मैम की classes, एक एक हफ्ते में 28 घंटे, 14 किताबों की home delivery, हर एक किताब के ऊपर QR code scan करो और video lecture, we assist के क्या video lectures है, topic by topic, scan, video, ऐसे समझ में आएगा. 20 tests will be given to you, हर एक बच्चे को class teacher मिलेगा, post class doubts, फोटो खींचो डाउट, विद इन मिनट्स यू विल गेट अ हैंड रिटन सॉल्यूशन. दिस इज वेदांतु एंड इट इज ट्रस्ट मी द बेस्ट एवर. वी आर नॉट टेकिंग प्राइजेस की एक आपको टैबलेट दे देंगे उसमें सारे लेक्चर रिकॉर्ड है, 5-7 पेज रिकॉर्ड है, चलो जी चकते फटे. नो यार, लाइव लेक्चर है. नीट प्रो सब्सक्रिप्शन प्राइस, लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस. इतना तो यार आपको राखी पे या ईद पे इकट्ठा हो जाता है. मॉम डैड को बोलो आई वांट टू स्पेंड माई ओन मनी, लर्न, यू विल सी द डिफरेंस. 20 टेस्ट देने, 200 रुपए से कम तो कोई टेस्ट भी नहीं होता विद एनालिसिस. 4000 के तो टेस्ट है. वी आर गिविंग यू 20 टेस्ट, वी गिविंग यू 20 आवर्स ऑफ क्लासेस पर वीक अलॉन्ग विद 6-8 आवर्स ऑफ वानी मैम्स क्लासेस. जस्ट इमेजिन, राइट? इट इज रियली रियली चीप. डोंट मिस दिस एट ऑल गाइज, डोंट मिस दिस एट ऑल.
कोड आप याद रखिए वीडी प्रो. सो मेनी माइक्रो कोर्सेस, हर एक टॉपिक के माइक्रो कोर्सेस, राइट. चलिए आइए, लेट्स क्विकली मूव टू menti.com. एक बार आपको ये भी दिखा देती हूँ आपने लेना कहां से. अगर आपने आज मन बना ही लिया है यार, अब तो मतलब करके दिखाएंगे. यस, फिजिक्स केमिस्ट्री को पार करके दिखाएंगे. जस्ट कम हियर, आज के डीपीपी क्वेश्चंस भी सॉल्व करना. आई विल डू द डीपीपी डिस्कशन सून. ये रहे आपके डीपीपी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस पेपर एवरीबॉडी. आरबीसी इन यूरिन, बताया था हेमेचूरिया, राइट, ब्लड इन यूरिन, हेमेचूरिया, ये सारे डीपीपी क्वेश्चंस. आई वांट यू टू सॉल्व देम टुडे एंड गो हियर. ये देखिए प्रो, दिस इज योर प्रो सब्सक्रिप्शन, राइट. Just go here, get the proof for yourself. एक बार refresh कर लीजिए. Okay, let's click on that दोबारा and you get a discount by using my code. My code is VDPRO. चलिए, जब तक ये load होता है, I will give you menti option. वहां जाके you have to add the code. हमारा code is 7054090. चलिए, full screen. 7054090. चलो. Meeraj, I will talk about body not accepting in human health and disease. That is called as, you know, rejection of the organ. One-year pro subscription of 11th. You can take it for 2 years also, beta. Dekho, beta. Koi bachcha poochha, ma'am, VIP mein crash course bhi hai. VIP sale karne ke liye nahi hai. VIP इसलिए नहीं, पैसा पैसा वापस हो जाएगा. जो यार अगर सेल करने के लिए VIP नहीं है, हमने भी सोचा क्रैश कोर्स दे दें, हम शायद आपको गारंटी ना दे सके कि यार 40 दिन में इंप्रूवमेंट करवा देंगे. गारंटीड इंप्रूवमेंट होगी, मे बी नॉट, पता नहीं आप कितना पढ़ोगे घर जाए, बट यार आप साल भर के लिए आओगे ना, हम गारंटी दे देंगे, गारंटी इंप्रूवमेंट होगी. That is why VIP is for pro. Did you get my point? Because we want to take responsibility. Sale ke liye nahi kiya hai, sale kara do to bolte crash course mein chalo 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 ji. VIP VIP. Yeah, it is for making sure ki aapki performance ki guarantee ho. Anybody in class 11th PCMB, you can take KVPY and you must give it. Starting in 5. Starting at next topic, kya karana, you have to write it down in the comment section. Starting in 4. Starting in 3. Starting in 2. 1. Question number 1. स्ट्रेच रिसेप्टर को हटाई दो, कुछ करना ही नहीं है स्ट्रेच रिसेप्टर का, क्या हो जाएगा. अरे यार मिक्चर सिग्नल कौन देता है उसको, फुल हो गया है, नाउ यू मस्ट, सिग्नल कौन देगा, स्ट्रेच रिसेप्टर अब फुल हो गया है, अब आपको यूरिन पास करना है. कोई स्टोर नहीं करेगा, इट विल जस्ट पास अवे लाइक दैट. क्वेश्चन नंबर 2. Whitish gray hair. Beauty question.
अरे वाह, लिवर, प्रोटीन्स, यस प्रोटीन, प्रोटीन एनर्जी मैन न्यूट्रिशन, इट्स ऑल केराटिन, कोलेजन, लिवर, वेल डन. टॉक्सिन्स जब एक्यूमुलेट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जब कम होते हैं तो बाल ग्रे हो जाते हैं, सफेद बालों को ग्रे बोला जाता है, राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. Not a ketone body. Succinic acid, acetone, fruity odor. Ketone bodies usually have fruity odor. जब भी आप प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हो तो बदले में कीटोन बॉडी बनती है. कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वो होता है जिसमें दो COOH ग्रुप्स हो. सक्सेनिक एसिड के पास दो COOH ग्रुप्स हैं. मैंने तो क्लास 11 में ही पढ़ा था. यस, ये एसिटोन, एस्ट्रोएस्टिक एसिड, कीटोन बॉडीज, मेरे को अभी याद नहीं है स्ट्रक्चर, पर आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर शायद देखा हो, राइट. ये देखिए ऐसा ही देखा है, कुछ याद आ रहा है. यहाँ भी OH बन जाता है, यहाँ भी OH और यहाँ पे O, तो COOH डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और सक्सेनिक एसिड है, एसिड होता है. ओके चलिए अगले सवाल. फोर्थ, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट स्ट्रक्चर. मैंने तो कॉलेज में जब 11 12 में पढ़ा था मुझे तब का याद है, स्ट्रक्चर ठीक था. प्रोटीन ब्रेकडाउन बॉडीज आर कॉल्ड कीटोन बॉडीज. यूरिन में कई बार एक्सक्रीट होती है जब बहुत डाइटिंग की जाती है, जब ग्लूकोज नहीं होता तो जब फैट्स बर्न होते हैं, प्रोटीन्स बर्न होते हैं तो कीटोन बॉडीज बनती हैं, यूरिन में निकलती हैं. डायूरेसिस, डाइल्यूट यूरिन, लास्ट क्लास, डायूरेसिस. यस, डाइल्यूट यूरिन, इसलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में एडीएच कराया था, एंटी डायूरेटिक. क्वेश्चन नंबर 5, ब्यूटी. एल्ब्यूमिन, प्रेजेंस ऑफ बेटा, मैंने आपको आज भी क्लास में बोला, जब आपके फेनेस्ट्रे ओपन अप हो जाएंगे, जब फेनेस्ट्रे के बीच में गैप आ जाएगा तो ऑब्वियसली आरबीसी ग्लोबुलिन एल्ब्यूमिन निकल जाएगा. फेनेस्ट्रे में गैप कब होगा, जब ग्लोबुलोनेफ्राइटिस होगा, तो भाई फेनेस्ट्रे के बीच से कुछ नहीं निकलेगा. डैमेज टू द मैल्फिजियन कॉर्पसल, डैमेज टू द ग्लोबुलस, दैट इज कॉल्ड ग्लोबुलोनेफ्राइटिस, इंक्रीज इन द फेनेस्ट्रे. भूल गया नॉटी बच्चों को मेरे. सिंसी, खुशी, क्रिश, मनीषा, ड्रीम एमबीबीएस, नेहा, अजिता, ब्लैक हार्टेड, कौन आ गया, कुलसुम, मदीहा जेमी, वेल डन, वेल डन. कल आप रेडी हो फिर मेंटी क्विज के लिए, कल शाम को 9 बजे, रेडी मेरे बच्चे, परफेक्ट द जिलेटो द विलेटो, राइट एवरीबॉडी, सुपर अमेजिंग, सुपर से भी ऊपर से भी ऊपर से भी ऊपर से भी ऊपर अमेजिंग, वेल डन. Don't forget to like, share and subscribe. Most importantly, मेरे चुन्नु मुन्नु, Sincy, very well done. I'm so proud of you, Sincy, मेरे बच्चे. Go here, right? Click on the pro membership here. Go here, see. Grade 11th. पूरा revision course मिलेगा, topic specific short course मिलेंगे. Grade 11 पूरा करवाया जाएगा. राइट सारे जितने KVPY के courses जो भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा. You will have live classes, test series, analysis, discussions, assignments, doubt solving, mentor support. You must try this for 1 month just for ₹2700, guys. Right? Oopsies, ye raha. Use the
code VDPRO and go get this guys, VDPRO code you rana mat bhulega. Bye guys, see you in the next class, bye. I'm actually like Shilpa Shetty and ye kuch bhi hai, bye guys.